नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देश की और अपने क्षेत्र की खबरें देखते रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक खास खबर की जो जुड़ी है रामदेव बाबा जी से। और रामदेव बाबा जी का एक बयान उन्हीं के गले में अब फंसता जा रहा है। कभी रामदेव बाबा ने एक पार्टी को समर्थन देते हुए ये कहा था कि आपको 40 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल वाली सरकार चाहिए या महंगी वाली सरकार चाहिए। और अब उनका ये बयान वायरल हो रहा है। उनके बयान के साथ साथ जो हाल ही में उन्होंने पत्रकार से अभद्रता की है वो भी वीडियो वायरल हो रहा है। एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा, उसके सवाल में आप खुद ही सुन लीजिए कि कितनी सभ्य भाषा में रामदेव बाबा जी ने उस पत्रकार को जवाब दिया। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, अच्छे भी कहा, कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनाई बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई, ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है क्यों? तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दू। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी? अरे भाई, मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर लेगा करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी, कश्मीर। हमारी अगली खबर झांसी जिले के ठाकुरपुरा गांव से है, जहां के किसान भारत सिंह राजपूत जी, सन ऑफ पेज सिंह राजपूत, के खेत जो था उसमें गेहूं के खेत में आग लग गई और पूरी फसल चौपट हो गई। वीडियो में देखिए किस तरीके से जो परिवारी जन है वो रो रहे हैं, क्योंकि इसी दाना पानी से परिवार का पेट भरने वाला था। और नेता जो चुनाव के समय उतराते नजर आ रहे थे, कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। प्रशासन को उनकी तरफ देखना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। खबर पढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप राठ के रहने वाले हैं और घर बैठे खाना ऑर्डर करना चाहते हैं तो फूडजॉय ऐप डाउनलोड कर लीजिए और घर बैठे खाने का मजा लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जुड़ी है छात्रों से। छात्रों से कैसे जुड़ी है? क्योंकि छात्रों का एक पेपर, 12th क्लास का, 12वीं क्लास का एक पेपर आज लीक हुआ और जिस पत्रकार ने यह खबर छापी उसे कोतवाल साहब उठा के कोतवाली में ले गए। तो सुनिए वो पत्रकार क्या कह रहे हैं इस बात पर। कहाँ है कोतवाली, क्या है, क्या इस मामले को लेकर आपको? देखिए, आज अमर उजाला में एक खबर छपी है, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र, इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र का सोशल मीडिया पे वायरल होने को लेकर। इस खबर छपने के बाद सुबह हमको पहले DIS फ़ोन किए, जिला विद्यालय निरीक्षक फ़ोन करके कहे कि ये खबर छापी है आप लोगों ने, इसका प्रश्न पत्र वायरल जो हो रहा है वो आपके पास है क्या? तो हमने कहा कि प्रश्न पत्र तो अमर उजाला में छपा है, उसका कोड भी है, अलबत्ता वहाँ जो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं उसको डार्क कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो नहीं, अगर प्रश्न पत्र हो तो थोड़ा हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो हमने एक बार उनकी बात को अनसुना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ोन किए हमको कि आप भेजे नहीं, थोड़ा भेज दीजिए। उनके ऑफिस के स्टाफ भी फ़ोन किए और कहे कि आप साहब को भेज दीजिए प्रश्न पत्र। उसके बाद DM साहब फ़ोन किए हमको, कहे कि अजीत यार तुमने हमको भेजा नहीं प्रश्न पत्र जो वायरल हो रहा है। हम कहे सर हम क्या जानते हैं आपके, हम समझ रहे थे कि आपको मिल गया होगा। तो कहे नहीं, थोड़ा हमको व्हाट्सएप पर भेजो। DM साहब को भी हमने व्हाट्सएप पर भेजा। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या के तहत ऑफिस चला आया। ऑफिस आया तो यहाँ 12:30 बजे कोतवाल साहब गए और जाके जैसे एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है,
मेरे दफ्तर में पहले तोड़फोड़ किया इन लोगों ने, और उसके बाद जबरन मुझे गाड़ी में बिठा के कोतवाली लाए, कहे कि आप कोतवाली चलिए। हमने क्या कारण है, FIR हुआ है, मुकदमा हुआ है, क्या मामला क्या है? तो नहीं, आप चलिए, आपसे पूछताछ करनी, हमने जो पूछना है यही पूछ लीजिए, हम आपको कोऑपरेट कर दे रहे हैं, जो बात हमने DM साहब को बताई है वो आपको भी बता देंगे। तो नहीं, आप कोतवाली चलिए, हम नहीं आ रहे थे। तो हमारे सहयोगियों के साथ भी हाथापाई किया और धक्का मुक्की देते हुए मुझे यहाँ कोतवाली लाए और यहाँ ला के न कोई पूछताछ न कुछ, जबरन बैठा के रखे हैं। कितने घंटे से बैठा है कोतवाल? करीब हमको 3 घंटे से यहाँ बैठाया गया है। कोतवाल, बलिया कोतवाल। इससे पहले भी कोई पेपर लीक हुई थी? इसके पहले कल हाई स्कूल का सबसे रोचक बात है आप लोग साथियों के लिए, कल